नमस्कार परम प्रिय मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमा श्री। आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में, जो कि मेरा और आपका दोनों का चैनल है, क्योंकि आपके प्यार की बदौलत ये चैनल इतना ग्रो कर रहा है। मित्रों, आज मैं आपको बहुत ही अद्भुत उपाय बता रही हूँ कि सोमवार के दिन अगर आप ये काम कर लोगे ना, तो माँ लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में होगा, प्रभु शिव जी की कृपा आप पर बरसेगी और माँ गौरा की कृपा भी आप पर बरसेगी। आपको करना क्या है, बस इतना सा समझ लीजिए। आपको क्या करना है, जिस वक्त आप भगवान की पूजा करेंगे, उस वक्त आपको बस ये पंक्तियाँ बोलनी है। ये पंक्तियाँ कोई नई नहीं है, हमारे बड़े बुज़ुर्ग अक्सर इन पंक्तियों को बोलते आए हैं, इन शब्दों को बोलते आए हैं, लेकिन इन शब्दों को आजकल लोग उपहास समझते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं। जो लोग बहुत ही इसको बोलते हैं संस्कारी होते हैं, वो इन शब्दों का प्रयोग अक्सर करते हैं। तो आप भी इसका प्रयोग करें और आप देखिएगा आपके जीवन में कैसा चमत्कार होने लगेगा। जब भी आप भगवान की पूजा करें और उनको भोग प्रसादी लगाएं, उस समय आप एक शब्द ये बोल दीजिए कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बस इतना बोल दीजिए। मित्रों, शब्दों में बहुत ताकत होती है। ये बहुत साधारण सा दिखने वाला वाक्य या शब्द है, लेकिन इसके अद्भुत परिणाम मिलते हैं। तो ज़रूर आप बोलिए, ऐसा करने से आपकी भक्ति भावना इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि अगर भगवान के सामने जब आप ये शब्द बार बार बोलते हैं, तो ये आपकी विनम्रता को भी प्रकट करता है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान के दरबार में कोई भी मनुष्य जो अहंकार को लेकर जाता है, अपने दबदबे को लेकर, बड़प्पन को लेकर जाता है, बड़प्पन से मतलब नेगेटिव वाला बड़प्पन, मतलब अपने आप को बड़ा समझने का भाव। बड़प्पन वैसे अच्छा और पॉजिटिव शब्द है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अगर इसका सिमिलर शब्द है तो वो समझ लीजिए आप, मतलब अपने आप को बहुत ही बड़ा समझता है, अहंकारी समझता है, तो दर्प करता है। कुल मिला के बड़प्पन की बजाय दर्प शब्द ज़्यादा उपयुक्त है, तो दर्प समझता है। तो ऐसे मनुष्य भगवान से कोसों दूर होते हैं, उनकी नज़दीकी को वो प्राप्त नहीं कर पाते। तो इसलिए भगवान के सामने विनय निवेदन करना बहुत ज़रूरी है कि हे प्रभु, आप हमारे सब कुछ हो और हम आपके चरण धूलि हैं, हमें अपने चरणों में आश्रय दीजिए। और जो भी चीज़ आप भगवान को चढ़ाते हैं, उसमें ये अहंकार का भाव ना लाएं कि आपने ख़रीदा है, मैं खरीद के लाया हूँ, इस तरह से नहीं बोलना है। मैंने इतने पैसों में ये ख़रीदा, इतनी पैसों की माला, इतने पैसों की प्रसादी खरीदी, इस तरह की चीज़ों का जिक्र भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और आपको बस इतना बोलना है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बस इतना करने मात्र से ही आपके काम बनने लगेंगे।